माय यूट्यूब फैमिली, होप सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं आप लोग का सिकंदर सलमानी लेके आया हूँ आपके एडवांस क्लास का डे 11। तो दोस्तों, आज की जो स्टाइलिंग है ये भी बहुत अमेजिंग होने वाली है। इसको मैं बोलता हूँ सुपर क्लासी हेयर स्टाइलिंग। इसको आप ब्राइडल में भी दे सकते हो और आप एडवांस वे में भी कर सकते हो। गाउन के संग भी बहुत ब्यूटीफुल लगती है। किसी को क्लासी हेयर स्टाइलिंग चाहिए तो उनको आप इस तरीके की स्टाइलिंग दे सकते हो। तो ये बहुत ब्यूटीफुल लगती है। इसको हाई में, डाउन में आप जैसे भी बना सकते हो, ये बहुत ब्यूटीफुल लगती है। सो दोस्तों, अगर आज की वीडियो में आप कुछ भी नया सीखते हो, आज की स्टाइलिंग में कुछ भी नया सीखते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब बिना किए जाइएगा मत, बेल आइकन दबा देना, सो दैट जितनी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे। और दोस्तों, उन लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा जो इस तरीके की स्टाइलिंग सीखना चाहते हैं और जो बहुत बहुत ज्यादा ट्राई कर चुके हैं एडवांस स्टाइलिंग सीखने के लिए बट उनसे नहीं हो रही है, तो उनको बताइए। यूट्यूब पे डीएस दिव्या मेकओवर चैनल है, वहां जाके आप ये सब सीख सकते हैं। सो दोस्तों, शेयर करना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके बताना कैसी लगी है स्टाइलिंग। चलो दोस्तों, आज की स्टाइलिंग स्टार्ट करते हैं। गाइस, एक बार आप लोग सेक्शनिंग देख लीजिए। सेक्शनिंग बहुत सिंपल है, जैसे कि मैं आपको हर बारी कम सेक्शनिंग में बहुत ब्यूटीफुल स्टाइलिंग सिखाता हूँ। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ पे सिर्फ मैंने ईयर टू ईयर मिडिल ऑफ द ईयर निकाला है, बाकी रेस्ट ऑफ द हेयर की यहाँ पे मैंने ऑक्सीपिटल बोन पे पूनी बना ली है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस, मैं यहाँ पे एक एक्सटेंशन यूज कर रहा हूँ इस हेयर स्टाइलिंग के अंदर, और उसको लगाना कैसे वो भी मैं आपको बताऊंगा। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, कई सारी क्वालिटीज की हेयर एक्सटेंशन आती हैं। जिस भी क्वालिटी की हेयर एक्सटेंशन के संग आप कंफर्टेबल हैं, उसके साथ आप स्टाइलिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे रियल हेयर वाली यूज कर रहा हूँ, ज्यादातर कन्वीनियंट यही रहती है। इसमें 3 टिक टैक है और इसमें भी कई सारी क्वालिटीज आती हैं। आप इसको थ्रेड के संग सिल भी सकते हो, आप चिपका भी सकते हो, और ये यहाँ पे टिक टैक भी है। तो मैं यहाँ टिक टैक वाली यूज कर रहा हूँ। अब करना क्या है, सिर्फ ऐसे रखना है और इसको अंदर की तरफ प्रेस कर देना है। ये देखिए, तो टिक टैक वाली जो एक्सटेंशन होती है उसमें ये आसानी होती है कि लगाने बहुत ही ज्यादा ईजी होती है लगाने में, और ये निकलती भी नहीं है। सो ये देखिए आप, अभी तक जो मेरी पोनी थी बिल्कुल पतली सी थी, बट अब देखो कितनी ज्यादा स्ट्रांग हो गई। इसके बाद आपने क्या करना है, ऐसे एक डोनट ले लेना है और डोनट को आपने ये शेप देके और सर्कल पैटर्न में इसके ऊपर लॉक करना है। लॉक करने के लिए क्या करना है, आपने बड़े वाले जूड़ा पिन के साथ इसको पैक करना है, ये इस तरीके से। तो गाइस, आप लोग देख रहे हो मैंने कितनी आसानी से एक्सटेंशन भी ऐड कर दी, ये देखिए, ठीक है। और यहाँ इसको अपने लॉक भी कर लिया, बेस भी बन गया और एक्सटेंशन भी ऐड हो गई। कभी भी आप लेंथी हेड हो या थोड़ा थिक हेड हो बना रहे हो, डेंस हेड हो बना रहे हो बैक साइड, तो आप इस तरीके से एक्सटेंशन ऐड करके अपनी स्टाइलिंग को और भी ज्यादा एनहेंस कर सकते हो। अब हमने क्या करना है, फ्रंट सेट करना है। जैसे कि मैं आप सब लोगों को बताता हूँ, फ्रंट बहुत अच्छे से बनाए तो आप अच्छे से देखिएगा। यहाँ आपने रेंडम सेक्शन लेने, कोई भी ऐसे बहुत ज्यादा क्लीन सेक्शन फॉलो नहीं करना है आपने, क्योंकि पफ में ब्लेंडिंग तभी आती है जब आप रेंडम सेक्शन पे वर्क करते हैं। ये मेरा पफ ऑलमोस्ट रेडी है, अभी हम इसको पैक भी करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है, पैक आपको पफ आपको कई सारी वीडियोस में पहले भी सिखा चुका हूं, तो इसीलिए मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड बताया। तो अगर आपको डिटेल में सीखना है तो मैं आपको आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां जाके सीख सकते हैं। अब मैं इसको नीट कर रहा हूं। सो नीट करने के लिए मैं यहाँ शॉर्टकॉप का सॉल्ट स्प्रे यूज कर रहा हूं, ये बहुत बढ़िया है और कोई खाट करता है ये। तो आप इसको नीट कैसे करेंगे, आप देखिए, तो गाइस अभी एक भी पिन यूज नहीं किया है, बट प्रोडक्ट देख रहे हो कितना अमेजिंग है। करना है लॉक, लॉक करने के लिए आप जूड़ा पिन का यूज कर सकते हैं।
आप छोटे वालों को तो सिर्फ प्रोडक्ट से ही लॉक कर दोगे, आपको जरूरत ही नहीं पड़ती कोई पिन वगैरह यूज करने की। तो अगर आप छोटे वालों में स्टाइलिंग करें तो ज्यादा कंफर्टेबल स्टाइलिंग होती है एज कंपेयर लॉन्ग हेयर। आप लोग जैसे देख रहे हैं, मैं सिर्फ इसे प्रोडक्ट से ही सारा कंट्रोल कर पा रहा हूं और बहुत इजी है। सी
सो होप दोस्तों आज की स्टाइलिंग भी आपको बहुत अच्छी लगी हो, आज भी आपने बहुत कुछ नया सीखा हो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था बहुत ही नीट और एलिगेंट हेयर स्टाइलिंग है, तो आप जरूर करना और हमारे नीचे सोशल हैंडल जितने भी दिख रहे हैं आप हमें भेजिएगा। हम आपको रिव्यू करेंगे किस तरीके से आप बना रहे हो, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, जो बेस्ट करेगा। जैसे कि हम हर वीक अपने सोशल मीडिया पे आप लोगों को प्रमोट करते हैं, तो वो भी हम आप लोगों के लिए करेंगे। और दोस्तों अगर आप इसमें नया कुछ भी सीख रहे हो तो प्लीज इसको शेयर करो दोस्तों, क्योंकि आपका एक शेयर उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचा सकता है जो बहुत ज्यादा चाह रखते हैं इस तरीके की स्टाइलिंग सीखने। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बिना किए जाइएगा मत। दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं बिना सब्सक्राइब किए हमारी वीडियो देखते हैं, तो दोस्तों आपके एक सब्सक्राइब से हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लेके आते हैं। तो प्लीज हमारी मेहनत की कदर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब बिना किए जाइएगा मत, और बेल आइकन दबा देना सो देट जितनी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सब्सक्राइब कर दो यार। चलो मैं चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा, तब तक अपना ध्यान रखना। लव यू और टेक केयर।